कई पेशेंट्स का एक प्रश्न होता है कि सोरियासिस क्या ये क्योर हो सकता है आयुर्वेद द्वारे, और अगर क्योर होता है तो क्या ये रियकर न हो, ऐसी भी कोई उपचार है, ऐसा भी कोई ट्रीटमेंट है। डिटेल में जानते हैं विद द डेटा, विद व्हाट वी हैव सीन, विद एक्सपीरियंस, डिटेल में बात करते हैं आज इस वीडियो में। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू जोवीज हॉस्पिटल ऑफ आयुर्वेद एंड एस्थेटिक सेंटर मुंबई। सोरियासिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस, अर्टिकेरिया, ये सारे ऑटो इम्यून स्किन इन्फेक्शन है। सालों साल तक पेशेंट्स कई सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स लेते हैं, उन्हें पता चलता है कि क्या हो रहा है, सच बात क्या है कि सिर्फ थोड़ा रिलीफ मिल रहा है, वापस रोग आ रहा है। पेशेंट्स हम 46 प्लस कंट्रीज में अगर हम एवरेज निकालें तो 5 से 7 साल का समय जाता है ये समझने कि अब तक क्या हो रहा था और अभी हमें क्या करना चाहिए। 5 से 7 साल का समय लगता है ये जानने में कि लाइफ लॉन्ग रिकवरी की क्या प्रोसेस है, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर दैट लाइफ लॉन्ग रिकवरी। हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम को सिर्फ दबाया जा रहा है और डिजीज आगे बढ़ रहा है। 5% था, रिकवर हो गए 6, 7, 8, 9, 10, डिजीज आगे जाके बस बढ़ते जा रहे हैं। हम सभी को ही पता है हम आयुर्वेद को कब चुनते हैं, जब सारे ट्रीटमेंट्स हमारे करके हो गए हैं, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, हमें याद आता है कि आयुर्वेद में भी कुछ हो सकता है या नेचुरल भी, इस नेचर के पास भी कुछ उपचार हो सकता है, चलो ट्राई करते हैं। ट्राई करते ही हमारा हमेशा अप्रोच होता है। सो हम देखते हैं चाहे वो डर्मेटोलॉजी हो, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, नेफ्रोलॉजी, किडनी के विकार हो, घुटनों के दर्द हो, जब तक हमें कहा नहीं जाता भी ऑपरेट करना होगा, इसके लिए क्योर नहीं, तब तक हमें आयुर्वेद याद भी नहीं आता। एट द एंड हम देखते हैं कि आयुर्वेद द्वारे हमें यू नो कुछ करना चाहिए, और हम देखते हैं कि आयुर्वेद पेशेंट को यस डेफिनेटली मैक्सिमम केसेस से ज्यादा हम देखते हैं कि लाइफ लॉन्ग पेशेंट्स को रिकवरी मिल रही है ऐसे असाध्य विकारों के लिए, न सिर्फ डर्मेटोलॉजी पर वो कहीं भी केस हो। हम देखते हैं कि पेशेंट्स का डिजीज जो है, रोग जो है, आगे बढ़ते जा रहा है। आयुर्वेद द्वारे आपको पता है हमने वीडियोस में बात की है, पंचकर्मा दवाइयां पथ्य पथ्य द्वारे स्टेप बाय स्टेप पेशेंट रिकवर होते हैं। 5%, 10%, 20%, 50% हर 15 दिन, हर 1 महीना, हर 3 महीना, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट्स फॉलोअप, कितना अच्छे से पंचकर्मा, परहेज, इम्यून सिस्टम कितने अच्छे से फॉलो किया जाता है, इस पर निर्भर होता है कि रिकवरी कैसी है, कितने सीरियस पेशेंट्स हैं, कितना नमक खाने में कम, कितना दही अचार कम, डेयरी कम, बेकरी आइटम्स कम, नॉनवेज अवॉइड, जितने अच्छे से फॉलो किया जाता है, जितना कंटिन्यूशन रखा जाता है विदाउट गैप, उतने जल्दी हम देखते हैं पेशेंट्स लाइफ लॉन्ग के लिए रिकवर करते हैं। एक बार पेशेंट्स की रिकवरी होती है, वैसे ही पेशेंट्स को एक आयुर्वेदिक डर्मेटोलॉजिस्ट या आयुर्वेद फिजिशियन बारे बताया जाता है कि पोस्ट क्योर मैनेजमेंट भी हमें में स्विच होना है। पोस्ट क्योर मैनेजमेंट में पेशेंट को एजुकेट किया जाता है कि रक्त दृष्टि ये पहला स्टेप है रोग की शुरुआत का, सो इस रक्त दृष्टि कर आहार विहार को मैनेज करना काफी इंपॉर्टेंट है। एक बार लाइफ लॉन्ग रिकवरी हो गई, अभी बस मैनेज करना है कि ये घर जो है फिर से गंदा ना हो, यानी घर पे गेस्ट आने वाले हैं तो घरों को डेकोरेट नहीं करना है पर उसको साफ भी करना है। उसी तरह से टाइमली पंचकर्मा, पंचकर्मा ये एक गिफ्ट है आयुर्वेदा का हम सभी के लिए। पंचकर्मा में 2 स्पेसिफिक पंचकर्मा पेशेंट्स हमेशा करते हैं और वो देखते हैं कि बॉडी 360 डिग्री हेल्दी भी रह रही है और रोग का नामो निशान नहीं है। अपथ्य कई बार किया जाता है, कई बार यू नो बेकरी आइटम, नॉनवेज आइटम खाने के बावजूद हम देखते हैं नॉर्मल डाइट पर पेशेंट स्विच हुए हैं और सोरेसिस हो या एक्जिमा हो उसका नामो निशान नहीं है। पंचकर्मा इज द की टू प्रिवेंट दैट प्रॉब्लम एज वेल। विरेचना विच इज द पित्त पर्गेशन थेरेपी, पित्त डिटॉक्सिफाई होता है, उससे बड़ा हुआ कचरा जो भी शरीर में है वो इकट्ठा होता है। जैसे घर की सफाई कैसे होती है, पहले झाड़ू मार के इकट्ठा किया जाता है कचरे को और फिर वो बाहर फेंका जाता है, उसी तरह से शाखा से कोष्ठ में दोषों को लाकर बड़े हुए दोषों को कोष्ठ द्वारे बाहर निकाला जाता है अधोग मार्ग से, विरेचन नाम के पंचकर्मा से। और दूसरा एक अद्भुत ट्रीटमेंट यानी रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण में कई अलग अलग पैरामीटर्स, कई अलग अलग ट्रीटमेंट्स हैं, उनमें सिरावेद और अलावो यानी वेट कपिंग और वेनेसेक्शन थेरेपी के हम आउटस्टैंडिंग फायदे देखते हैं। पेशेंट्स के 360 डिग्री इम्प्रूवमेंट्स हो रहे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ एनहेंस हो रहा है, एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि रोग का नामो निशान नहीं है। एक बार पेशेंट आयुर्वेद द्वारा ठीक हुए तो रोग उन्हें आसानी से नहीं होता अगर उन्होंने पोस्ट केयर मैनेजमेंट भी फॉलो नहीं की तो भी।
पर अगर लॉन्ग टर्म अपथ्य हो रहा है तो प्रॉब्लम होना ही है, बिकॉज दैट इटसेल्फ द रीजन फॉर व्हाई द डिजीज केम इन द फर्स्ट प्लेस. सो पोस्ट क्योर मैनेजमेंट के लिए रक्त दृष्टि को ख्याल हमें रखना चाहिए कि उसे मैनेज करना है. ये रक्त दृष्टि नहीं होनी चाहिए, इसे मैनेज करना है आहार विहार, और मेनली आहार विहार थोड़ा बहुत हो भी रहा है तो भी पंचकर्मा द्वारे. 3 to 6 months हम पेशेंट्स को कहते हैं आपको एक अच्छा खासा डाइट फॉलो करना है, सारी चीजें आपको लेनी है, बट मॉडरेशन में स्टेप बाय स्टेप आप उसे इंक्रीज करके नॉर्मल डाइट पर आ सकते हो. पर हर महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार एक सिरामिक कर लिया, अलाबो हो गया, आपका विरेचन हो गया हर 6 महीने में एक बार, साल में एक बार, तो ओवरऑल इट एनहेंसेज द क्वालिटी. यू प्रिवेंट ऑल दीज स्किन डिजीजेस, वेदर इट्स इवन एन एलर्जी, कंप्लीट क्योर, एंड यू कैन से नॉट इवन सिंगल चांस कि आपको वो होगा. प्रिवेंट दीज केसेस. सो इस चैनल पर कई सारे वीडियोज आपको मिलेंगे सोरियासिस एक्जिमा के ऊपर, वीडियोज को फॉलो कीजिए. इसके लिए डेफिनेटली क्योर है, रिकरेंसी हम डेफिनेटली अवॉइड कर सकते हैं ताकि पेशेंट लाइफ लॉन्ग के लिए क्योर हो सके. आप सभी को पता है मनोविकार ये एक 80% रीजन है स्ट्रेस. चिंतनाम च अति चिंतनात् रस वहिनी दुष्यन्ति, चिंता एक्सेसिव चिंता के वजह से ये रोग की शुरुआत हो रही है हम देखते हैं. और मन का स्थान हृदय में है, हम देखते हैं कि चिंता के कारण रस व स्रोत की दुष्टि दिखाई दिए, रस धातु से रक्त धातु की दुष्टि और फिर उत्तर उत्तर धातु की दुष्टि हो रही है. धातु क्या है? वो जो हमारे शरीर को होल्ड करते हैं, 7 प्रकार के धातु. सो रस का स्थान भी, रस धातु का स्थान है हृदय में. सो हम देखते हैं कि स्ट्रेस मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है. रेगुलर वॉक्स, मेडिटेशन, योगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट के साथ साथ पंचकर्मा, पथ्य पथ्य, इन स्टेप्स द्वारे हम देखते हैं पेशेंट्स लाइफ लॉन्ग के लिए रिकवर करते हैं विदाउट एनी रीअकरेंस. ये था आज का वीडियो. कोई डाउट्स क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए. अंटिल नेक्स्ट टाइम फ्रॉम जोधीज एंड द टीम, लुक इम्प्रेसिव, बी प्रोग्रेसिव.